नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी आज सत्र 360 में 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम से स्कंद 7 को आरंभ करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के आश्रय में भक्तों के संग हम यहाँ एक एक श्लोक के वाचन, अनुवाद और भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में विषय वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे। सत्रों का प्रारूप बहुत ही सरल है। वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद यहाँ पर सभी पढ़ने और श्रवण करने का अवसर प्राप्त करेंगे। जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध है आप पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं स्क्रीन पर श्लोकों को प्रस्तुत भी करूंगी। स्कंद 7, इसमें 15 अध्याय है और इन अध्यायों के विषय वस्तु बहुत ही सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत की गई है। बिल्कुल आरंभ में शिशुपाल की कथा से लेकर हिरण्यकशिपु के तपस्या के उद्देश्य को समझाने के क्रम में आदर्श मनुष्य के लक्षण कैसे हैं, व्यवस्थित पारिवारिक जीवन कैसे स्थापित किया जाए, प्रहलाद महाराज के संग हिरण्यकशिपु के द्वारा किए गए कृत्यों का वर्णन है, प्रहलाद महाराज के उद्धार के लिए नरसिंह भगवान के प्रकट होने का वर्णन है, सिद्ध पुरुष और भक्त प्रहलाद के मध्य व्यवहारिक बिंदुओं पर प्रस्तुत बहुत ही सार्थक वार्ता का उल्लेख है। ऐसे ही कुछ विषयों के क्रम में नारद मुनि के पूर्व जीवन का यहाँ पर पुनः उल्लेख आएगा, पांडवों के साथ कृष्ण के सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करने की कथा का उल्लेख है। तो बीच बीच में अनेकों रोचक कथाएं हैं, तो तत्व और कथा दोनों बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ सुनियोजित हैं। तो आरंभ करेंगे मंगलाचरण से और उसके बाद हम लोग अध्याय एक से विषय वस्तु को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयम मुदीरयेत शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन यद्यंतस्थो ह्य भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम नष्टे प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि कौर भक्तिवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 360 में हम सभी स्कंद 7 अध्याय 1 समदर्शी भगवान इस विषय वस्तु को यहाँ आरंभ करने जा रहे हैं। महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में स्कंद 6 में यदि हम सभी स्मरण करें तो स्कंद 5 की तत्व परक व्याख्या, जिसमें ब्रह्मांड के विस्तार विकास नरक के विभिन्न प्रकारों के लोकों के वर्णन के पश्चात विभिन्न कथाओं के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के प्रश्नों और जिज्ञासाओं का निवारण किया कि भगवान कैसे भक्तों के प्रति विशेष कृपालु होते हैं।
कैसे भक्तों को भगवान अपनी योजना में निमित्त बनाकर सामान्य जनमानस प्राणी मात्र के लिए उपयोगी और सार्थक जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए वो प्रदर्शित करते हैं। स्कंद 6 की कथाओं से ये स्पष्ट हो गया कि कैसे समदर्शी भगवान सभी के परमात्मा सखा रक्षक होते हुए भी भक्तों के लिए विशेष रूप से कृपालु होते हैं। इसी कथाक्रम में आगे महाराज परीक्षित स्कंद 7 अध्याय 1 समदर्शी भगवान शीर्षक के साथ यहाँ पर प्रश्न पूछने जा रहे हैं और वहां से हम लोग विषय वस्तु को आगे समझते हैं। स्कंद 7 अध्याय 1 श्लोक संख्या 1। श्री राजोवाच तम प्रिय सुहृदय ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु सबों के शुभचिंतक होने के कारण हर एक को समान रूप से अत्यधिक प्रिय है, तो फिर उन्होंने किस तरह एक साधारण मनुष्य की भांति इंद्र का पक्षपात किया और उसके शत्रुओं को मारा? सबों के प्रति संभाव रखने वाला व्यक्ति कुछ लोगों के तरह किसी के प्रति पक्षपात करेगा और अन्यों के प्रति शत्रुभाव रखेगा? वास्तव में महाराज परीक्षित को किसी भी प्रकार की यहाँ पर शंका नहीं है। भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में स्पष्ट करेंगे कि ये विषय सामान्य जनमानस के हृदय में इसी प्रकार की शंका उत्पन्न करे भगवान के लिए। इस अर्थ में महाराज परीक्षित यहाँ समझने के लिए उत्सुक है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 29 में भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ते न प्रिय। मैं सबों पर संभाव रखता हूँ, कोई मुझे प्रिय नहीं है, कोई मेरा शत्रु नहीं है। पर हमने पिछले स्कंद में देखा कि भगवान ने इंद्र के लिए असुरों का वध करने के क्रम में पक्षपात किया है, तो भगवान पक्षधर है। सबके हृदय में स्थित परमात्मा पक्षधर है। माता द्रौपदी के प्रसंग में लोक गीतों में वर्णन आता है, सब है विपक्ष कोई पक्ष ना हमारो है, मोर पक्ष वारो सोई मोर पक्ष वारो है। तो वहां पे कहा गया मोर पक्ष, जिसने मोर का पंख धारण कर रखा है, पक्ष का वहां पर दो अर्थ है, जिसने मोर पंख धारण कर रखा है वही मेरा पक्षधर है। तो भगवान ने अपने इन कृत्यों से समय समय पर स्पष्ट किया है कि सबके हृदय में उपस्थित मेरे द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि संभव ही नहीं है। मैं निरपेक्ष हूं, रूप की स्थिति की परिस्थिति की गणना और आकलन से परे सबके प्रति दयालु भगवान ने इंद्र के लिए क्यों पक्षपात किया, ये जानने की जिज्ञासा महाराज परीक्षित द्वारा यहाँ सुखदेव गोस्वामी के समक्ष प्रस्तुत की गई है। यदि भगवान पक्षधर है, यदि भगवान पक्षधर नहीं है और सबके हृदय में स्थित है, तो असुरों के प्रति ऐसी निष्ठुरता क्यों, दैत्यों का वध करके ऐसा पक्षपात क्यों? तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी के समक्ष महाराज परीक्षित इस प्रश्न को रखते हैं। श्लोक संख्या 2 में, न यस्यार्थ सुर गणे साक्षान्नि श्रेयसात्मना नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्च गुणस्य हि। भगवान विष्णु साक्षात भगवान तथा समस्त आनंद के आगार हैं, अतएव उन्हें देवताओं का पक्ष ग्रहण करने से क्या लाभ मिलेगा? इस प्रकार उनका कौन सा स्वार्थ सधेगा? जब भगवान दिव्य हैं तो फिर उन्हें असुरों से भय कैसा और उनसे ईर्ष्या कैसे? विद्वेष न रखना, ईर्ष्या न रखना, इसका एक प्रामाणिक लक्षण ये होता है कि हम किसी के साथ पक्षपात ना करें। भगवान के संबंध में ये बिल्कुल निराधार है। भौतिक भौतिक गुणों से संदूषित नहीं है भगवान। ये मनुष्य शरीर भौतिक जगत के लोगों द्वारा प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर
किसी को प्रिय, किसी को अप्रिय, किसी के साथ अपने स्वार्थ के लिए भिन्न प्रकार का आचरण, किसी के साथ दूसरे प्रकार का आचरण किया जाता है। पर भगवान के लिए तो देव और दानव दोनों ही उनके अधिकार में आते हैं, दोनों ही उनके संरक्षण में आते हैं। तो परमेश्वर निश्चित रूप से इन गुणों से मुक्त हैं। शत्रुता तथा मित्रता जैसे भौतिक गुण, जैसे गुण जो प्रदर्शित किए जा रहे हैं, वो वास्तव में भगवान के भौतिक शक्ति द्वारा प्रदर्शित बाह्य गुण है। इस जगत में यदि हम व्यवहार रूप में देखें तो किसी के साथ हमारी मित्रता और शत्रुता वास्तव में इस शरीर से संबंधित क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होती है। भौतिक जगत में किसी न किसी रूप में प्रत्येक जीव एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, तो भगवान को किसी की सहायता नहीं चाहिए। तो भगवान के लिए द्वेष, ईर्ष्या, पक्षपात, मित्रता, शत्रुता, ये सब किसी अर्थ का नहीं। परीक्षित महाराज को ये सब कुछ ज्ञात है, पर विषय वस्तु को सभी दृष्टिकोण से सम्यक समझते हुए अन्य किसी के मन में किस प्रकार की जिज्ञासा आ सकती है, उसे स्पष्ट करने के लिए परीक्षित यहाँ पर भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उनको पक्षपात करने की क्या आवश्यकता है। श्लोक संख्या 3 में, इति न सुमहाभाग नारायण गुणान प्रति संशय सुमहान जात तत भवान शेतुमर्हति। तो पूरे 6-7 शब्द एक साथ है यहाँ पर। सुमहान जात तत भवान शेतुम अर्हति। हे सौभाग्यशाली तथा विद्वान ब्राह्मण, यह अत्यंत संदेहास्पद विषय बन गया है कि नारायण पक्षपातपूर्ण है या निष्पक्ष है। कृपया निश्चित साक्ष्य द्वारा मेरे इस संदेह को दूर करें कि नारायण सर्वदा उदासीन तथा सबों के प्रति सम है। तो एक सामान्य व्यक्ति भी ऐसा कहता है, यदि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, यदि भगवान है तो उन्हें ऐसी लीलाएं करने की क्या आवश्यकता है, यदि भगवान है, यदि सबके हृदय में भगवान है तो फिर मनुष्य पाप क्यों करता है, मनुष्य दुखी क्यों है। बिना प्रामाणिक स्रोतों के अध्ययन के व्यक्ति सभी प्रकार की दुविधा युक्त स्थिति से मुक्त होने के लिए प्रश्न करने की अपेक्षा रखता है, पर उन प्रश्नों के समाधान इंस्टेंट नूडल 2 मिनट वाले तरीके से चाहिए होते हैं। तो महाराज परीक्षित कम से कम अपनी ओर से इस प्रयास को सुनिश्चित कर रहे हैं कि यदि कोई श्रीमद् भागवतम को श्रवण करेगा प्रामाणिक स्रोत से, तो उसे इन प्रश्नों के उत्तर आज की स्थिति में, जिन्होंने स्कंद 1 से 7 में श्रवण किया है, श्रील प्रभुपाद की परंपरा के शिष्यों आचार्यों द्वारा अन्य स्थानों पर श्रवण किया है, उनके मनस्थिति में इन प्रश्नों के उत्तर अब तक स्थित हो चुके हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, भगवान अंतस्थल में स्थित है तो फिर कोई सुखी दुखी गरीब अमीर, इस प्रकार के द्वंद्व क्यों होते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान और जीव में क्या अंतर है, जीव और आत्मा में क्या अंतर है। लगभग लगभग सभी श्रोता जो 1 वर्ष से अधिक समय से जुड़े हैं, उनके ये मनस्थिति में स्थित है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों में इनको प्रस्तुत करने का तरीका दिव्य है। तो परीक्षित के ये प्रश्न, उन्हें केवल उत्तर नहीं चाहिए, वो कहते हैं साक्ष्य समेत मेरे संदेह को दूर करें कि नारायण सर्वथा उदासीन और सबों के प्रिय हैं, सबों के प्रति सम है, वो निष्पक्ष है, इसको मुझे प्रमाण देकर बताएं। तब यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी अब बोलना आरंभ करेंगे, श्लोक संख्या 4 और 5 में क्या कहते हैं। श्री ऋषि उवाच साधु पृष्ठम महाराज हरिश्चरितम अद्भुतम यद् भागवत महात्म्यम भगवद् भक्ति वर्धनम गीयते परमं पुण्यम ऋषि भी नारदादि भी नत्वा कृष्णाय मुनये
कथयिष्ये हरे कथाम। महामुनि सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपने मुझसे अतीव श्रेष्ठ प्रश्न किया है। भगवान के कार्यकलापों से संबंधित कथाएं, जिनमें उनके भक्तों के भी यशों का वर्णन रहता है, भक्तों को अत्यंत भाने वाली हैं। ऐसी अद्भुत कथाएं सदैव भौतिकतावादी जीवन शैली के कष्टों का निवारण करने वाली होती हैं। अतएव नारद जैसे मुनि श्रीमद् भागवत के विषय में सदैव उपदेश देते रहते हैं, क्योंकि इससे मनुष्य को भगवान के अद्भुत कार्यकलापों के श्रवण तथा कीर्तन की सुविधा प्राप्त होती है। अब मैं श्रील व्यास देव को सादर प्रणाम करके भगवान हरि के कार्यकलापों से संबंधित कथाओं का वर्णन आरंभ करता हूँ। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना नारद मुनि के मार्गदर्शन में की। सुखदेव गोस्वामी यहाँ उसी को स्पष्ट करते हुए, स्मरण करते हुए कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम का ज्ञान आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में लाने वाले नारद मुनि मनुष्य के सभी भौतिकतावादी जीवन शैली के कष्टों का निवारण करने के उपाय के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अर्थात श्रीमद् भागवतम को विषयों को, प्रसंगों को निष्ठावान प्रवृत्ति से, मनस्थिति से श्रवण करने से प्रामाणिक वक्ता के मुखारविंद से जिन प्रश्नों के आप उत्तर ढूंढ रहे हैं महाराज परीक्षित, वो स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ समय का, अवसर का लाभ उठाकर व्यास देव को नमस्कार कर रहे हैं। तत्पश्चात नारद मुनि को नमस्कार कर रहे हैं, भगवान की हरि कथा को आरंभ करने का क्रम स्थापित कर रहे हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भगवान और भक्त के भाव विनिमय की कथा है, तो इसमें आशा है, उत्साह है, जीवन मूल्यों के प्रति नैष्ठिक संचार करने योग्य भावनाएं हैं, और सुखदेव गोस्वामी सभी को हृदयगत प्रणाम निवेदित करते हुए श्लोक संख्या 6 में कहते हैं, निर्गुणो अपि हि अजव्यक्त भगवान प्रकृति पर माया गुणमाविश्य बाध्य बाधक तामगत। भगवान विष्णु सदा भौतिक गुणों से परे रहने वाले हैं, अतएव वे निर्गुण कहलाते हैं। अजन्मा होने के कारण उनका शरीर राग तथा द्वेष से प्रभावित नहीं होता। यद्यपि भगवान सदैव भौतिक जगत से ऊपर हैं, किंतु अपनी आध्यात्मिक पराशक्ति से वे प्रकट हुए और बद्ध जीव की भांति कर्तव्यों तथा दायित्वों को ऊपर से स्वीकार करके उन्होंने सामान्य मनुष्य की भांति कार्य किया। तो जब जब हम भगवान की लीलाओं के बारे में बात करते हैं, तब तब हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि भगवान निर्गुण है। निर्गुण नि शब्द का अर्थ हम सभी के अनुभव से सामान्य रूप में भी दो अर्थों में प्रयोग होता है। एक, या तो गुण है ही नहीं, या तो गुण है ही नहीं, या इतना है कि हमारी सीमित क्षमता से हम उसका पार नहीं पा सकते। मायावादी निर्गुण का अर्थ एक अर्थ में ले लेते हैं, समस्त गुणों से हीन। जिस प्रकार अंग्रेजी में इनवैल्यूएबल शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इतना मूल्यवान है, इनवैल्यूएबल या तो मूल्य ही नहीं है, या तो मूल्य इतना वैल्यूएबल, इतना मूल्यवान है। तो भगवान की जीवन में, लीला कथाओं में दिखने वाली आसक्ति, विरक्ति, दायित्व, ये सब भौतिक प्रकृति से संबंधित है। निर्गुण का अर्थ हुआ कि भगवान भौतिक जगत के गुणों से परे हैं। वो राग, द्वेष, विकार, मत्सर, इनसे कभी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वो उनकी बहिरंगा शक्ति का विस्तार स्वरूप है और उस शक्ति को धारण करने वाले वे स्वयं हैं। तो भगवान भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते, सदा मुक्त रहते हैं। भगवान ने भगवद गीता में अनेकों स्थान पर इसको अभिव्यक्त भी किया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं। एवं यो वेत्ति तत्वतः, केवल भक्तगण ही उसे समझ सकते हैं। इसी जीवन काल में हमने
सद्गति, सुसंगति और कुसंगति दोनों के अंतर को अपने जीवन में अनुभव किया है। व्यक्ति विशेष के साथ रहते हुए हमारे जीवन की विचार शैली धारणाएं अन्य हो जाती हैं, तो संगति का प्रभाव है। और जो भक्त हैं वो सदैव अपने आप को परमात्मा की संगति में रखते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों को भी दिव्य कहा गया है, उनकी लीलाओं को भी दिव्य कहा गया है। भगवान अपने कार्यकलापों को उनके हृदय में प्रस्फुटित करते हैं, समझने के योग्य बनाते हैं, और वो समझने के पश्चात जीव के लिए कुछ और अन्य समझना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवद गीता में भगवान ने कहा, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो मेरे कार्यकलापों को ठीक से समझ जाता है वह शरीर त्यागने के बाद वैकुंठ को चला जाता है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अपने मन में ऐसा कोई भी विचार ना रखें कि भगवान पक्षपात करते हैं। भगवान कैसे हैं? सत्वम रजतम इति प्रकृते नात्मनो गुणा न तेषां युगपद राज हास उल्लास एव वा। हे राजा परीक्षित, सत्व रजतम ये तीनों भौतिक गुण भौतिक जगत से संबंध है, अतः ये भगवान को छू तक नहीं पाते। ये तीनों गुण एक साथ बढ़ या घटकर कार्य नहीं कर सकते। तो सत रज और तम भगवान के नियंत्रण में है, भगवान उनके नियंत्रण में नहीं है। भगवान ने तो कहा है, मेरे आदेश पर प्रकृति कार्य करती है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते। तो यदि ये जो पक्षपात का भाव है, वैकुंठ में सब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहां एक सखी यदि भगवान की सेवा में उपस्थित है तो दूसरी सखी उस पर द्वेष दिखाएगी। पक्षपात का भाव ही इस भौतिक जगत की देन है, और इस भौतिक जगत की देन का अर्थ हुआ कि सत रज और तम के प्रभाव में रहने वाले जीवों के लिए। जो प्राकृतिक गुणों से प्रभावित हैं वो पक्षपात के लिए करेंगे या नहीं करेंगे ये नहीं, लेकिन पक्षपात उस समूह के लोगों द्वारा हो सकता है, होता है जो भौतिक गुणों से प्रभावित है, क्योंकि भगवान सभी गुणों से अप्रभावित है। आत्मा राम है, अपने में संतुष्ट हैं, इसलिए उनके द्वारा पक्षपात किए जाने का प्रश्न ही नहीं है। आगे कहते हैं, जय काले तु सत्वस्य देव ऋषिन रजसो सुरान तमसो यक्ष रक्षांसी तत्कालानुगुणो भजत। जब सतोगुण प्रधान होता है तो ऋषि तथा देवता उस गुण के बल पर समुन्नति करते हैं, जिससे वे परमेश्वर द्वारा प्रोत्साहित एवं प्रेरित किए जाते हैं। इसी प्रकार जब रजोगुण प्रधान होता है तो असुर गण फलते फूलते हैं, और जब तमोगुण प्रधान होता है तो यक्ष तथा राक्षस समृद्धि पाते हैं। भगवान प्रत्येक के हृदय में स्थित रहकर सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण के फलों को पुष्ट करते हैं। तो भगवान सत रज और तम के नियंता हैं, अपनी बहिरंगा शक्ति प्रकृति भौतिक जगत के क्रियान्वयन के लिए। जब हमारे जीवन में जिस तत्व की प्रधानता है हमने अनुभव किया है, तब हम उस प्रकार का आचरण करते हैं। अत्यधिक शुद्ध प्रवृत्त पवित्र निस्वार्थ लोगों के बीच में यदि हम रहें तो हम सतोगुण से अपने आप को पूरा अप्लावित पाएंगे, परमार्थ परोपकार। और जैसे ही हमने अपने आप को अपनी वर्तमान परिस्थिति में किंचित मात्र भी असंतुष्ट पाया, तब प्रतिस्पर्धा की भावना हमारे जीवन में जागृत हो जाती है, रजोगुण की स्थिति आ जाती है, उसके पास ऐसा है मैं वैसा क्यों नहीं कर सकती या कर सकता। और तमोगुण वो है जहाँ जीव अपने स्वयं के भौतिक लाभ को भी नहीं पहचानता। तो हम सभी अपने आसपास अपने स्वयं के जीवन में इन तीनों में से किसी न किसी गुण का अनुभव करते रहते हैं। भगवद गीता के तीन चार श्लोकों का स्कंद अध्याय 14 श्लोक संख्या 11 से 13 का
यहाँ उल्लेख किया श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में, जिसमें कहा गया है सत्व के अधिकता से जीवन में क्या होता है, रज की अधिकता से क्या होता है, तम की अधिकता से क्या होता है, और अंत में कहते हैं अप्रकाशो अप्रवृत्ति च प्रमादो मोहैव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान विभिन्न गुणों की वृद्धि से होने वाले फलों को ही देते हैं। वे निष्पक्ष हैं, लाभ और हानि का निरीक्षण करते हैं पर उसमें हाथ नहीं लगाते। तो यदि हम देवताओं और दानवों के प्रसंग को भी देखें तो विजय देवताओं की हुई क्योंकि उनमें सत्वगुण की प्रधानता है। उसमें भगवान के द्वारा किए गए पक्षपात के संबंध में जो विचार है वो इस समदर्शी भाव से परे है। कहने का आशय है श्लोक संख्या 9 में इसको स्पष्ट करेंगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ज्योति आदि इवा भी ज्योति आदि इवा भाति संघातान्न विविच्यते विदन्त्यात्मनम् आत्मस्थमतित्वा कवयो अन्ततः। ज्योति आदि वा भाति संघातान्न विविच्यते विदन्त्यात्मानम् आत्मस्थम् मथित्वा कवयोन्ततः। सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, स्थित रहते हैं और एक कुशल चिंतक ही अनुभव कर सकता है कि वे अधिक या न्यून मात्रा में कैसे वहां उपस्थित हैं। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि, जलपात्र में जल या घड़े के भीतर आकाश को समझा जा सकता है, उसी प्रकार जीव की भक्तिमयी क्रियाओं को देखकर यह समझा जा सकता है कि वह जीव असुर है या देवता। विचारशील व्यक्ति किसी मनुष्य के कर्मों को देखकर से यह समझ सकता है कि उस मनुष्य पर भगवान की कितनी कृपा है। बहुत ही व्यवहारिक बिंदु है हमारे जीवन। इसलिए तिलक धारण करना, कंठी माला पहनना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना, ये हमारे जीवन की मनोवृत्तियों को निरीक्षण पूर्ण तरीके से संचालित करने के लिए है। मनुष्य के कर्म को देखकर समझा जा सकता है कि उसके ऊपर भगवान की कितनी कृपा है। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही महत्व का श्लोक है। अध्याय 10 श्लोक संख्या 41 की बात हो, अध्याय 10 श्लोक संख्या 10 की बात हो, श्री प्रभुपाद यहाँ उन्हें तात्पर्य में व्यक्त करते हुए कहते हैं तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामो पयान्ति। जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, सतत उनकी प्रेम पूर्वक पूजा कर रहे हैं, उन्हें अंतस्थल में स्थित परमात्मा द्वारा इस प्रकार का मार्गदर्शन दिया जाता है, ऐसी बुद्धि प्रदान की जाती है कि वे अंततः भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। तो भगवद गीता में सत रज और तम का हमने बहुत ही विस्तार में श्रवण और पठन किया है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में दिखने वाले गुणों का प्राकृत्य भगवान के पक्षपात पर नहीं अपितु उस व्यक्ति की इच्छा के अनुसार है। वो किस प्रकार की संगति में अपने आप को आवृत करके रखता है और उसी के अनुपात में भगवत कृपा का वो अनुभव कर पाता है। जैसे एक खाली घड़ा सीधा और एक खाली घड़ा उल्टा रखने पर वर्षा ऋतु दोनों में दोनों घड़ों पर समान पानी जाएगा, पर जिसमें पात्रता है, जगह है, जिसने अपने आप को प्रस्तुत किया है उसमें पानी भरेगा। जो उल्टा घड़ा है पानी उसे स्पर्श तो करता है पर वो घड़ा अपने में कुछ संचित नहीं कर पाता। उसी प्रकार भगवान की कृपा सभी प्राणियों पर समान रूप से है। जिसने सतोगुण की प्रधानता से अपने आप को, अपने जीवन को, अपनी गतिविधियों को, क्रियाओं को आप्लावित किया है, वो भगवत कृपा को समेट पाने में, सहेज पाने में वर्षा ऋतु के जल की प्रकार सक्षम है। और जो ऐसा नहीं कर पाए, रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता से उनके पास कृपा पहुंचती तो है पर वो अनुभव नहीं कर पाते। श्लोक संख्या 10 में यदा सृशिक्षु पुर आत्मन परो
रजस्विजत्येष्य पृथक् मायया सत्त्वं विचित्रा सुरीरन्सुरीश्वर शैष्यमाण तम एरयत्यसो। जब भगवान विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न करते हैं और प्रत्येक जीव को उसके चरित्र तथा सकाम कर्मों के अनुसार विशिष्ट प्रकार का शरीर प्रदान करते हैं, तो वे प्रकृति के सारे गुणों सत्व गुण रजोगुण तथा तमोगुण को पुनः चित करते हैं, पुनरुज्जीवित करते हैं। तब परमात्मा के रूप में वे प्रत्येक शरीर में प्रविष्ट होकर सृजन पालन तथा संहार के गुणों को प्रभावित करते हैं, जिनमें से सत्वगुण का उपयोग पालन के लिए, रजोगुण का उपयोग सृजन के लिए तथा तमोगुण का उपयोग संहार के लिए किया जाता है। और इसलिए भौतिक जगत के प्रत्येक ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, रजोगुण का प्रतिनिधित्व जहाँ सृजन किया जा रहा है, वो ब्रह्मा जी रजोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं, विष्णु पालन के लिए सतोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं, और महादेव सभी ऐसे जीव जिन्होंने अभी तक भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक योग्यता विकसित नहीं किए, तमोगुण का प्रयोग करते हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है वो वास्तव में भगवान के निर्देशन में हो रहा है, पर भगवान द्वारा पक्षपात नहीं है। जीव के पास आंशिक स्वतंत्रता है, किस प्रकार के गुणों को जीवन में धारण करने की इच्छा रखता है, और उसके अनुपात में विभिन्न प्रकार के शरीरों में परमात्मा रूप में भगवान निर्देश देते हैं। तो इस तरह से जीवों को विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त हो रहे हैं। आगे श्लोक संख्या 11 में, कालम चरंतम सृजतीश आश्रयम प्रधान पुंभ्याम नरदेव सत्यकृत। तो यहां हम देखते हैं दो ही पंक्तियों को मिलाकर एक श्लोक बना है, और मैं निरंतर इस बिंदु को अब कहना चाहती हूँ। हम लोग करीब करीब स्कंधों के संख्या के अनुसार 50% श्रीमद् भागवतम को श्रवण और पठन कर चुके हैं। 12 स्कंद हैं और हमने 6 स्कंद समाप्त किए हैं। ये दूसरी बात है कि स्कंद 10 अपने आप में 3,500 श्लोकों के साथ, 90 अध्यायों के साथ सबसे बड़ा है, पर जहां तक श्लोकों की संख्या की बात की जाए, 18,000 में से करीब 5,500 श्लोक हम लोगों के द्वारा यहाँ पर अभी तक श्रवण किए गए हैं। तो किसी को भी इसकी दुविधा हो, श्लोकों की कुल संख्या 18,000 नहीं है, इसका एकमात्र उत्तर यह है कि श्लोकों को पुनः, जिसे हम कहते हैं समूहबद्ध किया गया है, ग्रुपिंग की गई है, विषय वस्तुओं को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने के लिए। तो यहाँ 2 पंक्तियों के साथ एक श्लोक बन गया, और उसको व्यक्त करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे महान राजा, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हे महान राजा, भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के नियंता भगवान, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के सृष्टा हैं, काल की सृष्टि करते हैं, जिससे भौतिक शक्ति तथा जीव काल की सीमा के भीतर परस्पर क्रिया कर सके। इस प्रकार परम पुरुष न तो कभी काल के अधीन होता है, न ही भौतिक शक्ति के अधीन होता है। भगवान काल पर अधीन आश्रित नहीं है, काल भगवान पर आश्रित है। जब अध्याय 10 में भगवद गीता में विभिन्न विभूतियों का वर्णन हुआ है, तब वहां पर भगवान कहते हैं, एक निश्चित समय सीमा में जीवों को आबद्ध करने के लिए, ताकि उनकी जन्म जन्मांतर की योजनाएं चलती रहे या भगवत धाम वापस आ जा रहे, दोनों ही स्थिति में कोई तो समय सीमा का आकलन करने की इकाई होनी चाहिए, और उसके लिए भगवान ने काल बनाया। भगवान ने काल का निर्माण किया है, प्रकृति का निर्माण किया, इसलिए भगवान इन दोनों के अधीन नहीं है, ना तो वो काल के अधीन है और ना भौतिक शक्ति के अधीन है। जब अध्याय 4 में अर्जुन ने पूछा कि आप तो मेरे समकालीन हैं, और कैसे आप वैवस्वत और विभिन्न परंपराओं की बात करते हुए कह रहे हैं आपने ये ज्ञान सबसे पहले इनको दिया था, उनको दिया था, उनसे उनको मिला, इस प्रकार की बातें आप क्यों कर रहे हैं, तब भगवान ने कहा, मैं काल के अधीन नहीं हूं, तुम भक्त और मित्र हो, इसलिए तुम इस उपदेश के अधिकारी हो,
और आगे जब भगवान के विराट स्वरूप का अर्जुन दर्शन करते हैं भगवद गीता में, तब तो उसके बाद वो कहते हैं कि ये परम सत्य है। नारद असित देवल व्यास जैसे ऋषि भी भगवान की उत्पत्ति, भगवान के स्रोत, भगवान की महिमा का समुचित बखान नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी भगवान के द्वारा उत्पन्न है। जैसे सामान्य, बहुत बहुत उचित उदाहरण नहीं है ये, लेकिन जैसे माता पिता से उत्पन्न होने वाले शिशु के लिए अपने माता पिता के जीवन काल के बाल्यावस्था के जीवन काल को पूर्ण रूप से समझ पाना संभव नहीं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष दर्शी नहीं है। अगर किसी प्रकार होगा भी तो उसे स्मरण नहीं है। तो बच्चे के माता पिता अपने बाल्यकाल में कैसे थे, ये इस बात पर निर्भर करता है। ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि या तो स्वयं माता पिता उस संबंध में क्या बताते हैं, या माता पिता के माता पिता इस संदर्भ में क्या बताते हैं। तो इसीलिए ज्ञान हम कहीं भी देखें सम्यक रूप से तभी स्थापित है जब वो परंपरा में अपने माता पिता के बाल्यकाल की जानकारी या तो हम माता पिता से जान सकते हैं या उनके माता पिता से जान सकते हैं। तो भगवान भी वैसे हैं, नारद असित देवल व्यास भगवान द्वारा उत्पन्न किए गए हैं क्रमबद्ध परंपरा में। तो उनके द्वारा, ऋषियों के द्वारा भगवान के बारे में सब कुछ समझ लेना और सब कुछ व्यक्त कर देना, बिल्कुल इस बच्चे के और माता पिता के व्यवहारिक जीवन के उदाहरण के अनुसार पूर्णतया संभव नहीं है। आंशिक रूप से किया जा सकता है, पर पूर्णतया संभव नहीं है। आगे श्लोक संख्या 12 में, सएष राजन्नपि कालयीषिता तत्त्वं सुरानीकमिवैधयत्यत तत्प्रत्यनीकान् सुरान् सुरप्रियो रजतमस्कान् प्रमिणोत्युश्रवा। हे राजन, यह काल सत्वगुण को बढ़ाता है। इस तरह यद्यपि परमेश्वर नियंता है, किंतु वे देवताओं पर कृपालु होते हैं जो अधिकांशतः सतोगुणी होते हैं। तभी तमोगुणी असुरों का विनाश होता है। परमेश्वर काल को विभिन्न प्रकार से कार्य करने के लिए प्रभावित करते हैं, किंतु वे कभी पक्षपात नहीं करते। उनके कार्यकलाप यशस्वी हैं, अतएव वे उरुश्रवा कहलाते हैं। यदि सही सही मुझे स्मरण है तो उग्र श्रवा सूत गोस्वामी के पिता के नाम, पिता का नाम है। भगवान यहाँ पर उरुश्रवा कहलाते हैं। उरुश्रवा इसलिए क्योंकि उनके कार्यकलाप यशस्वी हैं, क्योंकि वे किसी प्रकार के पक्षपात में युक्त नहीं है। जैसे दूसरा उदाहरण है, जब हम बैंक के पास क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाते हैं, तो हम उस क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है, हम कितना खर्च कर सकते हैं, कितनी सीमा है हमारी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने क्रेडिट कार्ड खरीदते समय जो सूचना प्रदान की है अपनी आय के बारे में, इनकम के बारे में, वो क्या है। तो सामान्यतया जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है वो हमारी इनकम के अनुपात में होती है। यदि हमारी मासिक आय 1 औसत सीमा से अधिक है, तो बैंक के द्वारा हमें क्रेडिट कार्ड के रूप में भी खर्च करने के लिए औसत लोगों की सीमा से ऊपर का धन आवंटित रहता है, हम इतना खर्च कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में गुणों के संग का क्या प्रभाव है, उसके अनुपात में हम भगवत कृपा को अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देवताओं और दानवों में देवराज इंद्र सत्व गुणों की अधिकता के साथ थे, इसलिए कृपा के उस भाग का प्रभाव का अनुभव उन्होंने किया और दानवों ने उसको नहीं अनुभूत किया। जो पंक्ति है यहाँ पर वो बहुत महत्व की है। परमेश्वर काल को विभिन्न प्रकार से कार्य करने के लिए प्रभावित करते हैं, किंतु
किंतु पक्षपात नहीं करते। कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनको यदि हम समझेंगे तो ये विषय स्पष्ट हो जाएगा। स्कंद 10 में जब हम जाएंगे तो माता पूतना, अघासुर, बकासुर, शक्तासुर के उद्धार के समय भी हम देखेंगे। जिसने जिस भाव से भगवान को स्वीकारा है, भगवान उसी अनुपात में व्यवस्था के अंतर्गत उसे फल प्रदान करते हैं। तो ऐसे ही एक प्रसंग का यहाँ पर उल्लेख करने जा रहे हैं कथा के रूप में, शुकदेव गोस्वामी, जो पांडवों के राजसूय यज्ञ से संबंधित है। अत्रैव उदाह्यत पूर्वम् इतिहास सुरर्षिणा प्रीत्या महाक्रतो राजन् प्रक्षते अजातशत्रवे। हे राजन, पूर्व काल में जब महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो महर्षि नारद ने उनके पूछे जाने पर कुछ ऐतिहासिक तथ्य कह सुनाए, जिससे पता चलता है कि भगवान असुरों का वध करते समय भी कितने निष्पक्ष रहते हैं। इस संबंध में उन्होंने एक जीवंत तो उदाहरण प्रस्तुत किया। यदि हम सब स्मरण करना चाहें तो वो उदाहरण कोई और नहीं अपितु शिशुपाल की कथा है। क्या है? दृष्ट्वा महाद्भुतम् राजा राजसूये महाक्रतो वासुदेवे भगवती सायुज्यम चेदि भूभुज। तत्रासीनम् सुरऋषिम् राजा पाण्डुसुत क्रतो पप्रक्ष विस्मित मना मुनीनाम शृण्वतामिदम्। हे राजन, महाराज पांडु के पुत्र महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के समय शिशुपाल को भगवान कृष्ण के शरीर में विलीन होते हुए स्वयं देखा। अतएव आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वहीं पर बैठे महर्षि नारद से इसका कारण पूछा। जब उन्होंने यह प्रश्न पूछा तो वहां पर उपस्थित सारे ऋषियों ने भी इस प्रश्न को पूछे जाते हुए सुना। शुकदेव गोस्वामी इस पंक्ति को यहाँ पर विशेष रूप से इसलिए बता रहे हैं कि जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ पुनः उसके साक्षी अन्य ऋषिगण भी थे। ऐसा नहीं था कि युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा और भगवान ने उसका चुपके से कोने में नारद मुनि के माध्यम से उत्तर प्रदान कर दिया। नहीं, अन्यों ने भी इसका लाभ उठाया, क्योंकि सतोगुण की प्रबुद्धता है वहां। क्या है? ते युधिष्ठिर उवाच अहो अत्यद्भुतम् हेत दुर्लभे कांति नामपि वासुदेवे परे तत्वे प्राप्तिश्चेद्यस्य विद्विष। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि असुर शिशुपाल अत्यंत ईर्ष्यालु होते हुए भी भगवान के शरीर में लीन हो गया। यह सायुज्य मुक्ति बड़े बड़े आध्यात्मवादियों के लिए भी दुष्प्राप्य है, तो फिर भगवान के शत्रु को यह कैसे प्राप्त हुई? वास्तव में जब हम कृष्ण पुस्तक का श्रवण करते हैं तो हमें पता चलता है कि लगभग लगभग सभी असुरों को जो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, सायुज्य सारूप्य, कहीं ना कहीं इन्हीं श्रेणियों में से कोई ना कोई मुक्ति ही प्राप्त हुई है। जबकि बड़े बड़े आध्यात्मवादी जो ज्ञान ध्यान के बल पर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें हजारों हजार वर्ष लग जाते हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं, मेरे लिए बहुत आश्चर्य का विषय है कि शिशुपाल के ऊपर भगवान की ऐसी रहस्यमयी कृपा हुई तो हुई कैसे? प्रश्न श्लोक संख्या 17 में, एतत् वेदितुम् इच्छामः सर्वे एव वयम् मुने भगवन् निन्दयावेन द्विजय तमसि पातित। हे मुनि, हम सभी भगवान की इस कृपा का कारण जानने के लिए उत्सुक हैं। मैंने सुना है कि प्राचीन काल में
बीन नामक राजा ने भगवान की निंदा की। फलस्वरूप सारे ब्राह्मणों ने उसे बाध्य किया कि वह नरक में जाए। शिशुपाल को भी नरक जाना चाहिए था, तो फिर वह भगवान के शरीर में किस तरह लीन हो गया। तो वेन की कथा हम सभी ने श्रवण की थी, जहां से फिर पृथु का जन्म होता है। पृथु के रूप में भगवान स्वयं आते हैं, नगर व्यवस्था स्थापित करते हैं। वेन जो अपने पिता के लिए और सामान्य प्रजा के लिए अत्यंत दुराचारी था, उसके बारे में कहा गया कि उसके द्वारा उसके लिए नरक जाने की संस्तुति सभी ब्राह्मणों द्वारा की गई थी। फिर शिशुपाल का व्यवहार ऐसा किस क्रम में श्रेष्ठतर हो गया कि उसे भगवान के स्वरूप में समाहित हो जाने का अवसर प्राप्त हुआ। श्लोक संख्या 18 में दम घोष सुत पाप आरभ्य कल भाषणात् संप्रत्यम अर्षि गोविंदे दंत वक्रश्च दुर्मति। अपने बाल्यकाल के प्रारंभ से ही जब वह ठीक से बोल नहीं पाता था, दम घोष के महापापी पुत्र शिशुपाल ने भगवान की निंदा करनी प्रारंभ कर दी थी, और वह मृत्यु काल तक श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता रहा। इसी प्रकार उसका भाई दंत वक्र भी ऐसी आदतें पाले रहा। तो कथा हम सभी को पता है कि कैसे शिशुपाल भगवान कृष्ण के द्वारा आश्वस्त वचनों के ढाल में उनको 99 गाली देता था और बिल्कुल 100 पे आके रुक जाता था कि अब इसके आगे नहीं देगा। श्लोक संख्या 19 में शप तो असकृत विष्णु यद ब्रह्म परम अव्ययम् श्वित्रो न जातो जिह्वायाम् नान्दम् विविशतुष्टम। यद्यपि शिशुपाल तथा दंतवक्र दोनों ही भगवान कृष्ण विष्णु की बारंबार निंदा करते रहे, तो भी वे पूर्ण स्वस्थ रहे। न तो उनके जीभों में ही श्वेत कुष्ठ रोग हुआ, न वे नारकीय जीवन के गहन अंधकार में प्रविष्ट हुए। हम सचमुच इससे अत्यधिक चकित थे। शिशुपाल और दंतवक्र की कथा कृष्ण पुस्तक में विस्तार से है। युधिष्ठिर की जिज्ञासा का कारण यह है कि इतने घोर पापी नरक के अंधकार में क्यों ना प्रविष्ट हुए। भगवान की इतनी निंदा करने के पश्चात भी वो किस बल पर नारकीय जीवन से बचे रहे। कहते हैं श्लोक संख्या 20 में कथम तस्मिन् भगवती दुरवग्राह्य धामनी पश्यताम सर्वलोकानाम लयम् ईयतु अंजसा। यह कैसे संभव हो पाया कि शिशुपाल तथा दंतवक्र जैसे अनेक महापुरुषों की उपस्थिति शिशुपाल तथा दंतवक्र अनेक महापुरुषों की उपस्थिति में उन कृष्ण के शरीर में सरलता से प्रविष्ट हो सके जिन भगवान की प्रकृति को प्राप्त कर पाना इतना कठिन है। शिशुपाल और दंतवक्र वास्तव में कोई और नहीं है, जय और विजय का ही स्वरूप है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, रावण और कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र। जय विजय कभी भगवान के शरीर में समाहित नहीं होना चाहते थे, वे तो सदैव भगवान की सेवा में स्वयं को प्रस्तुत रखते थे। पर शास्त्र साक्षी है, यदि कोई परमेश्वर की निंदा करेगा, अनेक ब्राह्मणों का वध करेगा, तो लाखों वर्षों तक नारकीय जीवन बिताने का दंड मिलता है। तो उस क्रम में शिशुपाल द्वारा ऐसा नारकीय जीवन का व्यवहार करने के पश्चात भी उसे सायुज्य मुक्ति का अवसर प्राप्त हुआ। अनेकों लोगों ने इसे देखा, साक्ष्यों की कमी नहीं है। और युधिष्ठिर कहते हैं, इसलिए मैं और अधिक चकित हूं, वो कौन सा नियम है जिसकी वजह से इस प्रकार की घटना संपादित हुई। वास्तव में प्रेषित महाराज की तरह युधिष्ठिर महाराज भी भगवान को जानते और समझते हैं। सामान्य व्यक्ति जब इसको श्रवण करें तो भ्रमित ना हो, इसलिए वो स्वयं प्रश्न कर रहे हैं। श्लोक संख्या 21 में एतद् भ्राम्यति मे बुद्धि दीपार्ची वायुना ब्रूहे ब्रूहि एतत् अद्भुततमं भगवान ही यत्र कारणम्। यह विषय निसंदेह अत्यंत अद्भुत है, मेरी बुद्धि उसी तरह डगमगा रही है
जिस तरह बहती हुई वायु से दीपक की लौ विचलित हो जाती है। हे नारद मुनि, आप सब कुछ जानते हैं, कृपा करके मुझे इस अद्भुत घटना का कारण बताएं। तो कथा के भीतर कथा है, सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित कथा जिज्ञासा का निवारण करने के लिए संवाद कर रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर देने के क्रम में नारद मुनि और महाराज युधिष्ठिर की वार्ता को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। श्लोक संख्या 22 में श्री बादरायणी उवाच राज तत्वच आकर्ण्य राज्ञ तद्वच आकर्ण्य नारदो भगवान ऋषि तुष्ट प्राह तमाभाष्य शृण्वत्या तत्तद कथा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज युधिष्ठिर की विनती सुनकर अत्यंत शक्तिशाली गुरु नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे हर बात को जानने वाले हैं। इस तरह उन्होंने यज्ञ में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों के समक्ष उत्तर दिया है। तो कृष्ण पुस्तक में भी एक पूरा अध्याय के क्रम में आता है, जहाँ युधिष्ठिर और नारद मुनि का संवाद है। क्या उत्तर दिया है? लोक संख्या 23 में श्री नारद उवाच निंदन तव सत्कार अन्य कारार्थम कलेवरम प्रधान परयो राजन अविवेकेन कल्पितम। महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, निंदा तथा स्तुति, अपमान तथा सम्मान का अनुभव अज्ञान के कारण होता है। बद्ध जीव का शरीर भगवान द्वारा अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से इस जगत में कष्ट भोगने के लिए बनाया गया है। तो प्रकृति बहिरंगा शक्ति अपनी निर्धारित नियम के इस ये कार्य करने पर ये ऐसा परिणाम होगा, ये कार्य करने पर ऐसा परिणाम होगा, इसका आश्रय लेते हुए बद्ध जीव के शरीर को जगत में कष्ट भोगने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। जो और हम विचार करके देखें तो ये बहुत सत्य भी है। जो स्थिति और परिस्थिति किसी अन्य के लिए वरदान हो सकती है, सुखदायक हो सकती है, वही स्थिति और परिस्थिति किसी अन्य के लिए दुखदायी हो सकती है। इस व्यक्ति के दुखों का कारण इस व्यक्ति के दुखों के कारण से भिन्न हो सकता है, पर अंततः दोनों यदि भगवत भक्त नहीं है तो किसी न किसी कारण से वो सदैव दुखी रहेंगे। ये वास्तविक प्रमाण है इस बात का कि प्रकृति बहिरंगा शक्ति जो भगवान की है, वो बद्ध जीव को इस जगत में कष्ट भोगने के लिए अलग अलग प्रकार के शरीर और गुणों को प्रदान करती है। उसमें से क्या ग्राह्य और क्या त्याज्य है, इसका अंतर हमें उस सीधे घड़े और उल्टे घड़े की तरह करना है। श्लोक संख्या 24 में हिंसा तत् अभिमानेन दंड पारुष्य यथा वैषम्य इह भूतानां ममाहमिति पार्थिव। ही राजन, देहात्म बुद्धि के कारण बद्ध जीव अपने शरीर को ही आत्मा मान लेता है और अपने शरीर से संबद्ध हर वस्तु को अपनी मानता है। चूंकि उसे जीवन की यह मिथ्या धारणा रहती है, अतः उसे प्रशंसा तथा अपमान जैसे द्वंद्वों को भोगना पड़ता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 11 से लेकर 30 तक इसी बिंदु को वहां बताया गया। शरीर और आत्मा के अंतर के साथ हमारे जीवन में द्वंद्वों का जो कुप्रभाव है वो भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि जीवन के द्वंद्व इस शरीर से जुड़े हैं और आत्मा स्वभाव प्राप्त कर रही है। इसलिए अगली बार जब ये आत्मा अन्य शरीर में प्रवेश करेगी तो आज के क्रियाकलापों के स्वभाव को अर्जित की हुई आत्मा आरंभ करेगी उसी गुण कर्म और स्वभाव से। तो व्यक्ति ने शरीर छोड़ते समय जिस भाव को धारण किया है उसके अनुसार अगला कर्म मिलना है। उस कर्म में इसी पहले वाले जीवन का जो आत्म तत्व है वो प्रविष्ट होगा, और आत्म तत्व की जो संगति शरीर के साथ रही है, इस शरीर की बाह्य जगत के साथ जो संगति रही है, वो सब कुछ अगले जन्म की योनि को
प्राप्त जो जीव तत्व है उसको प्रभावित करेगा। तो आज के लिए अंतिम श्लोक है श्लोक संख्या 25। यन्निबद्धाभिमानो यम तद्वधात् प्राणिनां वध ये तथा न यस्य कैवल्यात् अभिमान अखिलात्मन परस्य दम कर्तुर ही हिंसा के नाश्य कल्प्यते। देहात्म बुद्धि के कारण बद्ध जीव सोचता है कि जब शरीर नष्ट हो जाता है तो जीव नष्ट हो जाता है। भगवान विष्णु ही परम नियंता तथा समस्त जीवों के परमात्मा है। क्योंकि उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता अतएव उनमें मैं तथा मेरी जैसी भ्रांत धारणा नहीं होती। अतएव ये सोचना सही नहीं है कि जब उनकी निंदा की जाती है या उनकी स्तुति की जाती है तो वे पीड़ा या हर्ष का अनुभव करते हैं। ऐसा कर पाना उनके लिए असंभव है। इस प्रकार उनका न कोई शत्रु है और न कोई मित्र। जब वे असुरों को दंड देते हैं तो उनकी भलाई के लिए ऐसा करते हैं, और जब भक्तों की स्तुतियां स्वीकार करते हैं तो वह उनके कल्याण के लिए होता है। वे स्वयं न तो स्तुतियों से प्रभावित होते हैं और न निंदा से। तो एक प्रकार से ये श्लोक अब तक के आज के सत्र के सभी बिंदुओं की संक्षिप्त पुनरावृत्ति है। स्वाभाविक निष्कर्ष है कि भगवान में दोषपूर्ण देहात्म बुद्धि नहीं है। स्वाभाविक सार रूप का बिंदु है कि भगवान इस जगत के किसी तत्व से प्रभावित नहीं होती, भगवान स्वयं प्रकाशित है। और तीसरा सबसे बड़ा बिंदु, हम अपने आप को इस देह से संबद्ध करके जीवन में द्वंद अनुभव करते रहेंगे, पर जब हम स्वयं को भगवान का दासानुदास मानकर व्यवहार करते हैं तब अपनी मन बुद्धि क्रिया प्रतिक्रिया सबको हम केंद्रित करके शुद्धता के स्तर को प्राप्त करते हैं। और श्री प्रभुपाद अंतिम पंक्ति में लिखते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जब कृष्ण किसी असुर या बद्ध जीव को दंड देते हैं तो वे उसकी निंदा करने की आदत छोड़ा देते हैं, और जब वह पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो भगवान उसे अपने धाम बुला लेते हैं। तो कर्ता कारक और कारण के अंतिम स्रोत स्वयं भगवान है। और ये पूरी सत्र पूरी चर्चाएं श्रवण कीर्तन सभी प्रकार के प्रयास अंततः स्वयं को इस भाव स्तर पर लाने के लिए है कि हम सभी भगवान के सेवक हैं। कितनी सरल पंक्ति है पर कितनी कठिनाई है इसका अक्षरशः पालन करने में। नियंता पालन करता संहार करता भगवान द्वारा अलग से विभक्त किया गया है। जीव के रूप में हमारे भीतर दोष दर्शन नहीं होना चाहिए, भगवान की सेवा करने का भाव होना चाहिए, और अपने आप को इन दो कार्यों में अनुरक्त करके हम अपनी बुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं, और तब भगवान के द्वारा जीव को पुनः अपने धाम बुला लिया जाता है। तो अभी के लिए सत्र को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। आगे के श्लोकों को अगले सत्र में भक्ति वेदांता स्वामी श्री प्रभुपाद की असीम अनुकंपा से श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार की जिज्ञासा के लिए, किसी भी प्रकार की असहमति के लिए, कोई भी बिंदु यदि आप स्पष्ट करना चाहें तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, हरे कृष्ण।